हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स। सो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एनथ टर्म्स ऑफ टू ए पीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। सो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पर दो ए पीज गिवन है हमें। सो फर्स्ट ए पी जो है यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट ए पी इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एंड सेकेंड ए पी इज 3, 10, 17 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हमें एन कैलकुलेट करना है। इससे पहले हमें इस ए पी से ए की वैल्यू पता लग रही है और डी की वैल्यू पता लग रही है। सो फ्रॉम द फर्स्ट ए पी ए की वैल्यू कितनी है 63 एंड कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे 63, 65, 67। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। सो 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2। सो सेकेंड ए पी से अब हम देख लेंगे ए की वैल्यू कितनी है 3 एंड कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं 3 देन 10 देन 17। सो कॉमन डिफरेंस इज 10 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 7। सो इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें n निकालना है। सो हमें फर्स्ट टर्म पता लग गई है और सेकेंड टर्म पता लग गई है। इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पर हमें अब n टर्म निकालनी है, तो हम इन दोनों ए पी को इक्वल रख लेंगे। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों ए पीज जो हैं उनकी nth टर्म्स इक्वल हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं फर्स्ट टर्म के लिए, फॉर फर्स्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो ए इज 63 प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है एन माइनस वन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी 2। सो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2। 63 माइनस 2 इज 61, तो 61 प्लस 2n आ जाएगा फर्स्ट ए पी से। और फॉर सेकेंड ए पी, सो सेकेंड ए पी से हम यहाँ पर सेम वैल्यू पुट करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन एज इट इज़ रहेगा बिकॉज हमें कैलकुलेट करना है, एंड डी की वैल्यू क्या है 7 फ्रॉम 2। सो इसको सॉल्व कर लेंगे 3 प्लस 7n माइनस 7। सो यहाँ पर आ जाएगा 7n एंड माइनस 7 प्लस 3 इज माइनस 4। सो ये एक थर्ड इक्वेशन बन गई एंड ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हमें इक्वल रखना है। सो फर्स्ट टर्म से थर्ड इक्वेशन में क्या आया है 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। सो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। इसके बाद दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर लेंगे, n वाली को एक साइड एंड कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड। तो 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। सो यहाँ पर सॉल्व करके क्या आ जाएगा 61 प्लस 4 इज 65 विच इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 इज 5n। सो यहाँ से n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5। सो यहाँ पर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 13। सो ये होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों ए पी को इक्वल रखा और उसके बाद n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि थर्ड टर्म ए पी की हमें गिवन है दैट इज़ ए थ्री विच इज़ इक्वल टू 16। एंड एक लाइन और लिखी हुई है यहाँ पर कि सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे कि सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो फिफ्थ टर्म बाय 12 मीन्स प्लस 12। सो ये एक इक्वेशन बन गई। अब हम ए थ्री को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16। सो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट जो है ए सेवन को भी हम लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं ए प्लस 6d एंड ए फाइव को ए प्लस 4d प्लस 12। सो यहाँ पर हम ए और डी के लिए इंटरचेंज कर लेते हैं वैल्यूज़ और डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। सो
ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू ए प्लस 4d प्लस 12। यहाँ से हम इंटरचेंज कर लेते हैं वैल्यूज़ को, तो a से ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब a साइड चेंज होएगी तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो 6d माइनस 4d इज 2d विच इज़ इक्वल टू 12, सो d इज़ इक्वल टू 12/2 दैट इज़ इक्वल टू 6। सो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू आ गई 6। सो यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू को पुट करेंगे तो उससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। सो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू 16, और यहाँ से जो सॉल्व करके आएगा माइनस 12, तो ए इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू भी निकाल लिया है और डी की वैल्यू भी क्वेश्चन नंबर निकाल लिया है, तो 13 हमारी एंड एपी क्या क्वेश्चन बन नंबर जाएगी, 14 ए की वैल्यू थैंक यू 4 आ फॉर गई और वाचिंग दिस कॉमन वीडियो। डिफरेंस अगर सिक्स है, आपको ये तो वीडियो सिक्स अच्छी लगी ऐड तो कर प्लीज जाएंगे, लाइक 4 प्लस शेयर 6 दैट इज एंड कमेंट, 10 जिसने अब तक सब्सक्राइब एंड नहीं किया वो 10 भी प्लस सब्सक्राइब कर 6 दें। दैट इज इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 डिस्कस एंड 16 करेंगे। प्लस 6 दैट इज 22 एंड 28 एंड सोन। तो हमारे को यहाँ पर डिटरमाइन द एपी, तो हमें यहाँ पर एपी ही कैलकुलेट करनी थी, एपी निकालनी थी। सो हमने डी और ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सो ये हमारी एपी होगी। सो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।